जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को सुबीसी हॉस्पिटल परिसर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जुमा सोलंकी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और भाजपा पर बहानेबाजी कर ओबीसी आरक्षण खत्म करने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव टलते रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की गलत दिशा का परिणाम है। भाजपा ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। भाजपा की कोर्ट में कमजोर पैरवी की वजह से ओबीसी वर्ग का नुकसान हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस हर हाल में ओबीसी को अधिकार दिलाकर रहेगी, यह पार्टी का निर्णय है। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ सिंह ने आगामी चुनाव में 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देते हुए टिकट देने का निर्णय लिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो राजनीति हो रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, भाजपा अपनी बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया, क्या पक्ष है आपका? आज जो प्रेस वार्ता हमने ली है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशों पे, और ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि जब हमारी सरकार थी, बाकायदा उन्होंने इसको पारित किया था, और पारित करने के बाद सरकार हमारी चले गई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनका दायित्व था कि इसको पूरी तरह से लागू करें, पर उन्होंने लागू नहीं किया। पिछली बार चुनाव आयोग की ओर से उन्होंने सरकार की ओर से अध्यादेश जारी किया, उसमें स्पष्ट था कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण जो मिलना चाहिए था वो लागू नहीं किया, और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात आगे रखी, कोर्ट में भी रखी। तो कोर्ट का आदेश उस समय बात तो सुनी उन्होंने, किंतु उन्होंने पूरा पक्ष जो दिया वो अपने हिसाब से दिया, और उनकी तो बात हम लोग मानेंगे ही, कोर्ट ने जो आदेशित किया उसके अनुसार हम लोग चलेंगे भी, किंतु सरकार की ओर से जो पक्ष रखना था, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है कि ये वर्ग बहुतायत में है, और बहुतायत में होने के नाते 27% आरक्षण उनको देना था, उन्होंने उनके पदों को आरक्षित नहीं किया। इसी बात को लेकर हम लोग आप तक आए हैं, और ये आम जन में भ्रमित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर जिले तहसीलदार और गांव तक जाकर अपनी गलती छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम तो देना चाहते हैं, कांग्रेस नहीं दे रही, तो ये झूठा है। उनके हाथ में था करने को, वो नहीं कर रहे हैं। इस वर्ग को कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया है, इनकी जितनी भागीदारी होगी चुनाव में, उनको पूरी तरह से आरक्षण हम पदों को देकर और उनकी भागीदारी को पूरा करेंगे। पंचायत चुनाव में क्या 35% पर दिया जाएगा? बिल्कुल, पंचायत चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में इस वर्ग को बाकायदा उनका जितना हक बनता है उनको हक दिया जाएगा। बिजली संकट बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस? बिजली संकट इतना ज़्यादा है ग्रामीण एरियों से लगा के शहर तक, और सरकार बिल्कुल आँख बंद करके बैठी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब पंद्रह मई के बाद हमारे जितने किसान हैं गर्मी की फसलों के लिए और रोपे तैयार करने के लिए ये सारे कामकाज शुरू होते हैं, वो भी प्रभावित हो रहा, और आम जन जितना टेम्परेचर खरगोन जिले में है शायद पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, और इतने बड़े हुए टेम्परेचर में भी आम जन इतनी बुरी तरह से आहत हैं, गर्मी से बिल्कुल उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। क्या करेगी? उसके साथ भी पेयजल की व्यवस्था जो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, उसके लिए भी जनता बहुत परेशान है, आक्रोशित है, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए बड़ा आंदोलन करने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।